Good morning students, how are you all? I hope you all will be fine. So today our topic is preparation of soil. मिट्टी तैयार करना. सबसे पहले हम खेत की बिजाई करते हैं तो मिट्टी तैयार करते हैं. द अपर लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल. जो मिट्टी कहलाती है, लेयर होती है अर्थ की. ओके, द क्रॉप प्लांट्स आर ग्रोथ इन सॉइल. तो जो प्लांट्स होते हैं कहाँ ग्रो होते हैं? सॉइल में. सॉइल प्रोवाइड्स अ मिनरल वाटर एयर ह्यूमस एंड एनकोर्स फिक्सिंग फॉर्मली. तो हमें क्या क्या प्रोवाइड करती है? तो हमें प्रोवाइड करती है मिनरल्स, वाटर, एयर, ह्यूम्स एंड एनकोर्स ऑफ द प्लांट्स. प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप इन द कल्टिवेटिंग क्रॉप फॉर फूड प्रोडक्शन. तो फर्स्ट प्रोडक्शन ये होता है, फर्स्ट थिंग ये होती है कि हमें मिट्टी तैयार करनी है. सॉइल इज प्रिपेयर बाय सोइंग द सीड्स बाय द क्रॉप. तो हम उसके बाद बीजों की जो भी है, बीज होते हैं, प्लोगिंग एंड लेवलिंग एंड मैन्यूरिंग. फिर उसके बाद क्या होता है, मतलब लेवलिंग आगे उसकी नेक्स्ट प्रोसेस होती है. पहले बीज लगाएंगे, फिर खाद देना, उसके बाद उसकी कटाई. ईच ऑफ दिस स्टेप हैज़ बीन सिग्निफिकेंट. दिस इज डिस्क्राइब बिलो. द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग द सॉइल इज कॉल्ड प्लोगिंग. तो मिट्टी को ऊपर नीचे करना क्या कहलाता है? प्लोगिंग और टिलिंग. प्लोगिंग ऑफ फील्ड इज डन बाय यूजिंग इम्प्लीमेंट इज कॉल्ड प्लोज. तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? प्लोग. प्लोग इज मेड ऑफ वुड. दे प्लोगिंग और टिलिंग इज फील्ड इज डन बाय इम्प्लीमेंट इज कॉल्ड प्लोग. तो हल होते हैं, हल के द्वारा होता है ये सब, जैसे कि यहाँ पिक्चर में दिखाया गया. ओके, सो प्लोग आर मेड ऑफ वुड और आयरन. दे हैव आयरन टिप और इजी पेंट्रेटिंग इन टू द सॉइल. इनके नीचे एक टिप लगी होती है आयरन की, जो क्या करती है, नीचे जाके मिट्टी को निकालती है अच्छे से. ठीक है, तो उसे प्लोग करती है. द प्लोग आर पुल्ड बाई अ पेयर ऑफ बुल लॉक्स और बाई अ ट्रैक्टर. एक्चुअली द प्लोगिंग और स्मॉल फील्ड इज डन बाई विद द हेल्प ऑफ एनिमल लाइक बुल लॉक्स. तो क्या होता है कि ये मोइनली किसके द्वारा होती है? या तो जो बैल होते हैं उनके द्वारा, या फिर ट्रैक्टर के द्वारा होती है. वाई लार्ज फील्ड्स आर प्लोड बाई यूजिंग ट्रैक्टर. द लूजिंग ऑफ सॉइल प्लोगिंग इज बेनिफिशियल बिकॉज ऑफ यूज फॉलोइंग रीजन. तो किस कारण से वो जरूरी होती है? द लूज सॉइल अलाउ द प्लांट्स रूट टू पेंट्रेट फ्रीली एंड डीपर इन टू द सॉइल एंड प्लांट्स आर हेल्ड मोर फर्मली इन टू द ग्राउंड. तो प्लोगिंग हुई, प्लोगिंग के बाद क्या होगा, जो नए पौधों की जड़ें होंगी वो नीचे आसानी से जाएंगे और मिट्टी की पकड़ अच्छी बन जाएगी. द लूज सॉइल अलाउ द रूट्स टू प्लांट्स ब्रीथ ईजिली. दिस इज द बिकॉज लूज सॉइल कैन होल्ड अ लोट ऑफ एयर इन टू द स्पेस. उन स्पेसिस के थ्रू क्या होगा, उनकी प्लांट्स ब्रीथ अच्छे से कर सकेंगे और उनकी रूट्स अच्छे से पकड़ बन सकेगी. द लूज ऑफ सॉइल हेल्प्स इन ग्रोथ एंड वॉर्म्स एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल हु आर फ्रेंड ऑफ द फार्मर. नाइस, दे हेल्प इन फर्दर टर्निंग एंड लूजिंग द सॉइल. दे एड ह्यूमस टू द सॉइल. तो वो क्या, केचुए, जो आपने नॉर्मली सुना होगा केचुए होते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, अर्थवॉर्म्स बोलते हैं. वो क्या होते हैं, वो फार्मर के फ्रेंड्स होते हैं. वो क्या करते हैं, जो सैंड होती है या फिर सॉइल होती है उनमें जाते हैं और उनमें होल्स बना देते हैं, जिससे क्या होते हैं, पौधों की आसानी होती है, जिससे वो जड़ों से क्या मिनरल्स भी ले लेते हैं, वाटर भी. ओके, वाटर आसानी से पहुँचता है और उनकी ग्रोथ में हेल्प करते हैं. बिकॉज दैट्स वाई दे आर कॉल्ड फ्रेंड ऑफ द फार्मर. सो दे लूजिंग द टर्निंग ऑफ द सॉइलिंग ड्यूरिंग प्लोगिंग ब्रिंग न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप सो दैट द प्लांट्स द कैन बी दिस न्यूट्रिएंट्स. तो ईजिली न्यूट्रिएंट्स पहुंचे. दिस इज द सॉइल इज वेरी ड्राई. इट ब्रेक्स इन टू लार्ज एंड क्रम्स ड्यूरिंग अ प्लोगिंग. तो वो क्या करती है, मतलब बहुत सूखी होती है. ब्रेक्स इन टू मड. ओके, और क्रम्स ड्यूरिंग अ प्लोगिंग. द मड क्रम्स आर देन ब्रोकन डाउन यूजिंग अ सॉइल प्लैंक इज इज कॉल्ड क्रम क्रशर. तो उससे हम क्या करते हैं, क्रम क्रशर क्या होता है, उन चीज़ों को तोड़ना, जो पत्थर वगैरह या कुछ हो गया, ऐसा कुछ जो हमें मिलता है. द प्लोगिंग सॉइल इज क्वाइट लूज. इट इज लाइबल टू क्राइड अवे फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड वॉस्ट अवे फ्रॉम द रेन वाटर. सो वो क्या होते हैं, बारिश आती है, एक साइड चले जाते हैं और उसके बाद क्या, रेन वाटर में उसके साथ मिल जाता है. द रिमूवल ऑफ द टॉप सॉइल इन विंड वाटर वाटर इज कॉल्ड सॉइल इरोजन. तो अगर मिट्टी में उसकी पकड़ अच्छी नहीं होगी तो बारिश आएगी तो वो क्या होगा, आंधी आएगी तो वो मिट्टी उड़ सकती है और उसके कारण क्या होता है, सॉइल इरोजन, मतलब वो उड़ जाएगी, जिसके कारण मिट्टी का बहाव होगा. द प्लोगिंग सॉइल इज लेवल्ड बाय प्रेसिंग इट अ वुडन लेवलर सो दैट द टॉप ऑफ द सॉइल इज नॉट ब्लोन अवे द विंड ड्रेन्ड और बाय द वाटर. द ट्रेवलिंग ऑफ द प्लोग सॉइल इज बेनिफिशियल बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजन. प्लोगिंग क्यों बेनिफिशियल है, लेवलिंग ऑफ द प्लोग फील्ड्स प्रिवेंट द टॉप फर्टिलाइज सॉइल एंड बींग क्राइड अवे फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड वॉश अवे फ्रॉम द रेन वाटर. तो क्या होता है, अगर प्लोगिंग अच्छी होगी तो पौधे की जड़ें मजबूत होगी, जिस कारण से क्या होगा कि
जिस कारण से क्या होगा कि वो पौधे जो मतलब पौधों की जड़ी मिट्टी को अच्छे से पकड़ के रखेंगी, जिससे कि क्या होगा ना तो वो स्ट्रॉन्ग विंड के कारण उड़ेंगी और ना बारिश में उसकी मिट्टी बहेगी। ठीक है, द लेवलिंग ऑफ द प्लॉट फील्ड्स हेल्प इन द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन द फील्ड ड्यूरिंग इरीगेशन। तो इससे क्या होता है, पानी इक्वली पहुँचेगा सारी जड़ तक। द लेवलिंग हेल्प इज प्रिवेंटिंग द लॉस ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द प्लॉग्ड सोइल। तो क्या करें, लेवलिंग हेल्प इन द प्रिवेंटिंग द लॉस ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द प्लॉग सोइल। तो इससे प्रिवेंट होता है लॉस ऑफ मॉइस्चर। द लेवलिंग ऑफ द प्लॉग सोइल इज फील्ड इज डन बाय द यूजिंग इम्प्लीमेंट इज कॉल्ड लेवलर। लेवलर एक ऐसी चीज़ होती है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं मतलब द लेवलिंग ऑफ द प्लॉग्ड सोइल इन द फील्ड्स इज डन बाय यूजिंग इम्प्लीमेंट इज कॉल्ड लेवलर। लेवलर के द्वारा हम क्या करते हैं, उसे उसका लेवल मेजर करते हैं। द सोइल लेवलर इज अ हैवी वुडन प्लैंक इन द आयरन प्लैंक। ओके, इट सोइल लेवलर इज पुल्ड इन टू बुलकॉक्स बाय अ ट्रैक्टर। तो उससे क्या होता है कि वो मेजर करता है कि कितना इसमें मॉइस्चराइजर है। मेन्यूरिंग मीन्स द मेन्योर, मेन्योरिंग मीन्स मेन्योर द सोइल। समटाइम्स मेन्योर इज एडेड टू द सोइल बिफोर द प्लॉगिंग। एडिशन ऑफ मेन्योर सोइल बिफोर अ प्लॉगिंग हेल्प इन द प्रॉपर मिक्सिंग एंड मेन्योर द सोइल। द मेन्योर इज द फर्स्ट ट्रांसपोर्ट इन द फील्ड्स। ओके, तो एक क्या होता है, सम टाइम मेन्योर इज एडेड टू द सोइल बिफोर प्लॉगिंग। तो मेन्योरिंग एडेड जो खाद होती है वो डालते हैं। एडिशन ऑफ मेन्योर सोइल बिफोर प्लॉगिंग हेल्प इन द प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मेन्योर ऑफ द सोइल। तो अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। फर्स्ट मेन्योर इज द फर्स्ट ट्रांसपोर्ट टू द फील्ड दैन द सेपरेट आउट द फील्ड्स वट दिस फील्ड इज प्लॉग्ड। मेन्योर गेट मिक्स द सोइल प्रॉपरली। मेन्योर कंटेन्स मेन न्यूट्रेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप प्लांट्स। द फॉर मेन्योरिंग इज डन इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सोइल बिफोर सीड्स आर सोन इन टू इट। वंस द सोइल इज प्लॉग्ड लेवल द मेन्योर एंड रेडी टू सोइंग द सीड्स द सोइल इज वॉटर्ड फ्रॉम द सोइंग। क्या होता है, जब भी मिट्टी तैयार करनी होती है तो उसे अच्छी तरह से प्लॉग करते हैं। प्लॉग करने के बाद क्या होता है, उसमें मिट्टी की मॉइस्चर हो जाता है और उसमें ईजिली हम बीज लगा सकते हैं। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, प्लॉगिंग। ओके, आई होप यू ऑल विल बी अंडरस्टैंड। थैंक यू।